विदिशा जिले के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास के लिए पूरा सहयोग करेगी। ये बात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कार्यालय में अफसरों की एक बैठक के दौरान कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। विदिशा की दशा और दिशा बदलने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधी रात को विदिशा कलेक्टर कार्यालय में अफसरों की बड़ी बैठक ली। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विदिशा जिले के विकास को लेकर एक्शन प्लान बनाया। इस दौरान शिवराज ने जिले के प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधि और अफसरों को कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्र सरकार के हर विभाग जिले के विकास को लेकर तत्पर है। पहले आज सोचा था कि काफी डिटेल बैठक हम ये करेंगे, लेकिन कल 12 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक है और कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित 7 विषय कैबिनेट में मेरी भी तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। पर ये हमने तय किया कि आज की बैठक थोड़ी संक्षिप्त करेंगे और आज की बैठक में हम कलेक्टर एक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। मेरी चर्चा हुई थी क्योंकि विदिशा जिले का विकास जिस जुनून और जज्बा है, और मैं कहने के लिए अंतरात्मा से कहता हूं कि जनता की सेवा ही मेरी भगवान की पूजा है। पूरे देश में भी काम करना होगा करेंगे, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र और विदिशा जिले के विकास में कोई कसर ना रहेगी। मेरा आप सबके साथ प्रधानी मंत्री जी, विधायक साथी हमारे बैठे हैं, उनके साथ में भी मेरा प्रयत्न रहेगा। दोनों जगह सरकार पूरा सहयोग करेगी। आज मैंने आप सबसे भी मैं कह रहा हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मित्र हैं, कलेक्टर विदिशा से भी मैंने कहा है कि केवल मेरे डिपार्टमेंट नहीं, कृषि और ग्रामीण विकास में तो जो हो सकता है हम लोग करेंगे, लेकिन भारत सरकार का कोई भी विभाग हो विकास और जनकल्याण के काम। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने रविवार देर रात 9:30 बजे के लगभग कलेक्ट्रेट कार्यालय में अफसरों की बैठक ली। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल के अलावा विदिशा जिले के 4 विधायक भी मौजूद रहे, साथ ही कलेक्टर के साथ साथ सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।